स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम लोग निबंध लिखने वाले हैं दुर्गा पूजा पर। तो जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन, दुर्गा पूजा एक धार्मिक त्यौहार है। यह हिंदुओं के मुख्य त्योहारों में से एक है। नंबर थर्ड, यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है। चौथी लाइन, हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह अश्विन महीने में आता है। नंबर पांच, इस त्योहार पर देवी दुर्गा की पूरे 9 दिनों तक पूजा की जाती है। छठी लाइन, दसवें दिन देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। सातवीं लाइन, यह दिन दशहरा कहलाता है। नंबर आठ, पूजा के अंतिम दिन मूर्तियों का विसर्जन बड़े हर्षोल्लास धूमधाम से जुलूस निकालकर किया जाता है। नंबर नौ, दुर्गा पूजा अनीति अत्याचार तथा बुरी शक्तियों के नाश के प्रतीक स्वरूप मनाया जाता है। नंबर दस, बच्चों को त्यौहार बहुत पसंद होता है। यह त्यौहार बहुत पसंद होता है, यह छूट गया, आप ध्यान से लिख लेंगे।